कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप के सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा को करने से क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूँ प्रकाश कुमार। दोस्तों मैथ मस्ती गणित से हम ज्यामिति चैप्टर पढ़ रहा ज्यामिति चैप्टर शुरू किए हुए हैं, और ज्यामिति में अभ्यास वन के क्वेश्चन नंबर आज 31 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछली वीडियो जाकर देखिए, और आपके लिए यह ज्योमेट्री चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अब छोटा छोटा बात से हम शुरू किए हुए हैं और आज बड़ी बड़ी बात पे पहुंच रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, और ना जाने आगे कहां तक बढ़ेंगे, मतलब जब तक पूरा फिनिश नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक षडभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? एक षडभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है भाई? कहने से पता चल रहा है कि 6 भुजा होता है, बहुभुज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए षडभुज का फिगर यदि आप बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, और यह चार भुजा, और यह पांच भुजा, और यह छह भुजा, यह षष्ठभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना होता है? 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिगर नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर देना है अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बहुभुज नहीं है, मतलब कि दी गई आकृति में कौन आकृति बहुभुज नहीं है? देखिए इस फिगर किस तरह से, इस तरह से फिगर है। ठीक है, थोड़ा ही टेढ़ा है, मतलब कि इस तरह से है, फिर आपका त्रिभुज के जैसा है, फिर यहाँ आपका स्टार के जैसा है, इस तरह से है, और डी में है वृत्त। ठीक है, तो पूछा है कि बहुभुज नहीं है, मतलब कौन आकृति बहुभुज नहीं है? तो आपको पता होगा दोस्तों, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो देखिए इसमें तीन भुजा है, यानी कि सब बहुभुज है, इसमें भुजा है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त या एक बहुभुज नहीं है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बहुभुज में भुजा की संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बहुभुज वह बंद आकृति है जिसमें भुजाओं की संख्या कम से कम होगी, मतलब किसी भी बहुभुज में कम से कम भुजा की संख्या तीन होता है दोस्तों। तीन या तीन से अधिक भुजा से घिरी हुई समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं, तो कम से कम तीन भुजा होना चाहिए। ठीक है, आगे चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, बीस भी हो सकता है, लेकिन तीन से नीचा नहीं हो सकता है, इसलिए आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंचभुज मतलब सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, विकर्णों की संख्या बराबर आपको बताया गया है n इंटू एन माइनस थ्री बट्टा दू। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या यदि आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लागू कीजिएगा n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कहा है सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या, मतलब पांच भुजा वाला आकृति है उसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी? तो देखिए एन के जगह पांच,
पांच भुजाओं की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, पांच, फिर यहाँ पांच में से तीन जाएगा तो दू, अब बट्टा में दू, दू से दू कट गया, पांच आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या पांच होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी, बी फॉर बॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 35 होगा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम षष्ठभुज में कुल कितने विकर्ण, इस बार षष्ठभुज बोला है मतलब छह भुजा वाला आकृति में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, तो बस विकर्णों की संख्या निकालना है, विकर्णों की संख्या निकालना है, n इंटू एन माइनस थ्री बट्टा दू, छह भुजा वाला है तो n भुजा की संख्या का दर्शाता है, छह गुने छह में से तीन गया तीन, अब बट्टा दू, दू से तीन बार में कट जाएगा, तीन तिहाई नौ आंसर हो गया, ठीक है। मतलब षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या नौ होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना होगा, सम पंचभुज में, सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, पंचभुज मतलब पांच भुजा वाला आकृति, देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और पांच भुजा, इसमें प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का होगा, सम लगा दिया तो सब कोण बराबर ही होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग योग बराबर फॉर्मूला होता है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये हो गया सभी अंतःकोणों का योग बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रत्येक पूछ दिया है तो प्रत्येक तो इस बटा में एन से भाग, टोटल में एगो से भाग दे देंगे, टोटल में कुल मतलब टोटल योग में उसके भुजा की संख्या से भाग दे देंगे तो एक कोण का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक कोण का मान निकालना है, प्रत्येक कोण निकालना है आपको, तो एन, एन जो है ना भुजा की संख्या के दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पाँच, पाँच भुजा वाला है तो पाँच, तो पाँच माइनस तीन, पाँच में से दो जाएगा तो तीन, और गुना 180, अब बट्टा में नीचे पाँच रखिएगा, पंचभुज है तो पाँच, एन के जगह पाँच, ठीक है, एन के जगह पाँच, यहाँ 180 होगा तो पाँच से कट जाएगा ये 36 बार में, पाँच से पाँच ते 15 और पाँच छः, ठीक है, 36 तय कितना होता है 108, यानी कि प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होगा, 108 डिग्री ये भी होगा, सब 108 का होगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ठीक है, इसलिए नहीं मिटा रहा है कि यहाँ एक और क्वेश्चन है आपको 36 नंबर इसी प्रकार के, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 36 हो गया का, हाँ 36 हो गया, 37 नंबर देखिए, 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम षष्ठभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण का मान, ये बहिष्य अंतःकोण है, अंतःकोण का फॉर्मूला है, बहिष्य कोण का मान पूछा है, प्रत्येक बहिष्य कोण षष्ठभुज मतलब छह भुजा वाला, एक भुजा, दो, तीन, चार, पाँच और छह, छह भुजा में छह गो अंतःकोण होता है और छह गो बाह्य कोण भी होता है, तो आपसे प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है, अंतःकोण ना पूछा है, मतलब देखिए इस भुजा को बढ़ा दिए तो ये जो कोण बना ना, ये कोण, ये घसलाहा कोण, इसी को बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है, जो भुजा के बाहर बनता है उसे बाह्य कोण, देखिए ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है। फिर इस भुजा का देखिए, इसको ये बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, फिर ये वाला बाह्य कोण हो गया, फिर ये वाला बाह्य कोण हो गया, तो सभी यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा है। तो दोस्तों किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, देखिए 360 डिग्री सभी का हो गया, ये सभी बाह्य कोणों का योग हो गया, ठीक है। आपसे एक को एक बाह्य कोण का मान पूछा है तो 360 में भुजा की संख्या से भाग दीजिएगा, एक कोण का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाह्य कोण कितना है, भुजा की संख्या कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः से भाग दीजिए, ठीक है, छः छः के 36, यानी कि 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और नहीं तो बनाना होगा तो आप पहले अंतःकोण निकाल लीजिएगा, आप जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये सब आ जाता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, जब ये 120 हो गया तो एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 120 तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से बनाइए तो जल्दी बन जाएगा, आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसमें भुजा के संख्या से भाग दे देंगे, एक कोण का मान पता चल जाएगा, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का मान समान ही होता है, सम जिसमें लगा देगा उसी में, ठीक है। सम षष्ठभुज वाला है तो सब भुजा बराबर है, इसलिए सब कोण भी बराबर होगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, हाँ तो आपका आंसर जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से बहुभुज नहीं है, चार ऑप्शन दिया है, बोला कि इनमें से कौन ऑप्शन बहुभुज को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए में है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब देखिए ना ई, ए भैया सुनिए, बताया गया है तीन या तीन से अधिक भुजा से घिरी हुई समतलाकृति को बहुभुज कहते हैं। तो एक दो तीन तो सम बहुभुज हो गया, सम बहुभुज में तो देखिए ये तो बहुभुज हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन बी में कहता है सम पंचभुज, तो पांच भुजा वाला है तो उसमें तो पांच कोण होगा, पांचों कोण बराबर होगा। और सम एगो पहला नंबर क्या है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तो प्रत्येक कोण भी बराबर होता है और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। फिर बोला है ऑप्शन बी में है वर्ग, वर्ग तो देखिए वर्ग में देखिए ये वर्ग हो गया ठीक है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ठीक है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और चारों भुजा के मान भी बराबर होता है, यदि ये 2 मीटर है तो ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा ठीक है, वही वर्ग कहलाता है। जिसका चारों भुजा बराबर उसका चारों कोण भी बराबर होगा, ये वर्ग हो गया ठीक है। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, पूछा है कौन नहीं है, तो देखिए अगला है समचतुर्भुज, हाँ समचतुर्भुज ही बहुभुज नहीं है ठीक है, समचतुर्भुज इसलिए नहीं है, देखिए समचतुर्भुज का फिगर इस तरह से होता है, समचतुर्भुज का फिगर इस तरह से ठीक है, मतलब वर्ग को ही कान पकड़ के खींच दिए, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, ये वर्ग है देखिए ना, ये वर्ग है, तो इसी को कान पकड़ के ऐसे खींच दीजिएगा ना तो ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया समचतुर्भुज का फिगर, यही हो गया। देखिए इसका ई कोण और ई कोण यह कौन से छोटा होगा ठीक है, मतलब ई कोण जितना होगा ना उतना ई वाला नहीं होगा, जितना ई वाला होगा उतना ई नहीं होगा, मतलब चारों कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। जिसका चार भुजा बराबर उसका चारों कोण बराबर होता है ठीक है, लेकिन ये चारों कोण बराबर आपस में नहीं है, ई कोण छोटा होगा ठीक है, ई कोण बड़ा होगा, देखिए 90 इस तरह से रहता है तो 90 होता है, 90 से भी ज़्यादा है ठीक है, जितना होगा 100 होगा या 110 होगा, लेकिन 90 से ज़्यादा है, आई तो 90 से भी छोटा है ठीक है। तो चारों कोण बराबर नहीं है, चारों भुजा बराबर नहीं है, चारों कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह बहुभुज नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पूरक कोण युग्म नहीं है, मतलब पूरक कोण युग्म नहीं है, कौन नहीं है। ऑप्शन में है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ऑप्शन बी में है 56 डिग्री और 34 डिग्री, ऑप्शन सी में है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ऑप्शन डी में 150 डिग्री और 30 डिग्री। ए भाई बताया गया कि पूरक कोण कौन होता है, पूरक कोण क्या होता है, देखिए जब दो कोण का योग कहीं से खींचना, दो कोण का योग मिला के अगर ये थीटा वन है, थीटा टू है, तो थीटा वन और थीटा टू का योग 90 डिग्री होगा ना, तब ये वह जाके पूरा कोण कहलाएगा ठीक है। तो इस दोनों का योग देखिए 90 डिग्री पर कट रहा है कि नहीं, 90 डिग्री पर है, ये दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा तब ये पूरक है। तो ऑप्शन ए में देखिए ना 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये तो भाई पूरक है, इससे पूछा कि पूरक युग्म नहीं है, मतलब कौन ऑप्शन पूरक को नहीं दर्शाता है ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ए में है 60 और 30, ये तो पूरक को बता दे रहा है कि हाँ पूरक युग्म है, क्या कि 60 30 90 हो जा रहा है। ऑप्शन बी में है 56 और 34, ये भी जोड़ के 90 हो जा रहा है, तो ये भी पूरक है ठीक है, पूरक युग्म है। ऑप्शन सी में है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये भी तो जोड़ के 90 डिग्री ही आ जा रहा है, इसलिए भी पूरक है, पूरक कौन का युग्म है। ऑप्शन डी में है 150 डिग्री और 30 डिग्री है, तो देखिए जोड़ के 180 आ जा रहा है, तो ये पूरक कहाँ से है, ये पूरक नहीं है, इसीलिए आपका आंसर ये हो गया, ये जोड़ के 180 आ जा रहा है जबकि 90 ही आना चाहिए ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन, एक कोण अपने परिपूरक कोण का आधा है, वह कौन है, एक कोण अपने परिपूरक कोण का आधा है तो वह कौन है ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए वो कोण का मान कुछ भी मान लीजिए ना एक्स डिग्री है ठीक है, तो परिपूरक क्या हो जाएगा, परिपूरक होगा इसका दुगुना, देखिए 2x हो जाएगा परिपूरक, परिपूरक 2x,
तब तैयार है। देखिए इसका यथा है कि नहीं है, है तो आपसे वही तो क्वेश्चन कहा है कि एक कोण, तो वो मान लिए कि वो कोण एक्स डिग्री होगा, अपने परिपूरक का आधा है तो अपने परिपूरक का आधा, तो यदि परिपूरक 2x होगा तो ये हो जाएगा x, 2x का आधा 1x होता है। तो बताइए दोनों परिपूरक कोई कौन कौन कहलाता है, परिपूरक कौन, तो तब ऐसे रहता है ना फिगर, तब ये तो परिपूरक कहलाता है। तो एक रेखा पे 180 डिग्री कौन बनेगा एक तरफ, ठीक है, तो दोनों मिला के थीटा वन और थीटा मिला के 180 डिग्री हो जाएगा ना, थीटा वन और थीटा टू के मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये नहीं दिख रहा था, यहाँ लिखिए थीटा वन और थीटा टू के मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना, तब ये परिपूरक कौन कहलाएगा, ठीक है। देखिए तो इस कोण का मान मान लिए कि 2x होगा, तो इसका आधा ही है तो x होगा, तो दोनों का योग बराबर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री दोनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 2x 1x 3x बराबर 180 डिग्री, 3 से कट जाएगा 60 बार में, गुना में इधर तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 60 ऑप्शन नंबर बी में है, बी फॉर बाउल। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति में कोण AOB का मान बताएं, आकृति में कोण AOB का मान बताइए। आकृति बनाया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से आकृति बनाया है। यहाँ का मान दिया है 5x, ठीक है, यहाँ का मान दिया है 4x और यहाँ का मान दिया है 3x, 3x डिग्री, 3x ही दिया, डिग्री के साइन ना दिया है 3x। तो पूछ लिया गया है, अच्छा नाम भी दिया है ABCDEF, यहाँ से ABCDEF, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम कुछ भी दे सकता है, बी दिया है, ठीक है, बी ये भी हो सकता है, नाम में कुछ नहीं रखा है, आपसे मान पूछा है, मान बताइए को, इसको इस कोण का नाम दिया है ओ, ठीक है, इसका ओ दिया, छोटा को लिख दिया ओ, तो पूछ लिया गया है कौन AOB मतलब इस कोण का मान पूछ लिया है, ठीक है। तो देखिए इसका बनाने का दो दो तरीका है, जब RS अखबार बुक में हम चैप्टर पढ़ाए थे, ज्यामिति पढ़ाए थे लाइन एंड एंगल, उसमें बताए थे कि कैसे बनाए थे, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बनाने के तरीके उसमें बताए थे। आज देख लीजिए कैसे बना है, आपको इस कोण का मान पूछा है, ठीक है, इस कोण का मान, तो ध्यान दीजिए आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी रेखा पे एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता होगा, ये बात पता होगा आपको, ठीक है। अच्छा एक बात और पता होगा कि शीर्षाभिमुख कोण के नियम से सामने वाला कोण बराबर होता है, यदि ई एक्स डिग्री होगा तो ई भी, ई वाला भी कोण भी एक्स डिग्री का होगा, ई यदि वाई डिग्री का होगा तो ई भी कोण वाई डिग्री का होगा, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, या सम्मुख कोण कहिए इसको, ठीक है, इस बात को भी याद होगा अगर हमारा वीडियो आप प्रतिदिन देखते हैं। तो ध्यान दीजिए जब ई 4x है तो ई कितना हो जाएगा, ई भी 4x हो जाएगा, यदि ई 3x है तो ई भी 3x ही हो जाएगा, जब ई 3x है तो ई भी 3x, देखिए इसका मुंह यहाँ जाकर सटा है तो इसका मुंह यहाँ, देखिए मुंह में मुंह सट गया दोनों के, ठीक है, तो ई शीर्षाभिमुख कोण हो गया, 3x और ई कोण दोनों कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए ई रेखा, ई देखिए ई रेखा है, ई रेखा, ई रेखा है ना, ई रेखा पे एक तरफ मतलब पूरा 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, सुनिए ना, ये हम यहाँ घेर दिए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ही आप घेर लीजिए ना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी घेर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूरा कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं, तो इतना दिया कितना है 5x 3x 8x 4x 12x, ठीक है, देखिए यहाँ 5x + 3x + 4x बराबर 180 डिग्री का है कि एक तरफ के किसी भी रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो देखिए यहाँ 12x हो गया इधर बराबर 180, 12 से कटेगा, 12 से कटेगा 15 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, ठीक है। तो आपसे ई वाला कोण का मान पूछा, ई वाला कोण, तो ई वाला कोण कितना है 3x है, तो 3 गुना x का वैल्यू आया है 15, तो 15 यानी 15 तिहाई 45 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है, 45 यानी 45 डिग्री आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप यदि चाहते हैं तो इस कोण का मान है 4x, तो इसका ही मान हो जाएगा, इस कोण का मान भी हो जाएगा 4x, इतनी 5x तो यही 5x, अब एक प्रकार के वृत्त बन जा रहा है, तो सब भुजा को जोड़ दीजिएगा, सब कोण को जोड़ दीजिएगा और 360 के बराबर लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको पता है कि एक मान निकलना है इसका, तो इधर के जोड़ देंगे
समूह कोण करके और इधर के जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे, जो इस तरह से बनाए हैं। आपका आंसर हो जाएगा 45, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोण कोण का योग 10 समकोण है तो भुजाओं की संख्या बताएं। ठीक है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 10 समकोण है। 10 समकोण कहने के मतलब समझ रहे हैं, 10 एक समकोण के मान होता है 90 डिग्री, तो 10 × 90 इन 10 समकोण आ गया, यानी कि 900 आ गया। ठीक है, 900, यही 10 समकोण कहने का मतलब है। अब देखिए, अच्छा ये बात आपको पता होगा, आप ये पढ़े हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n − 2 × 180 डिग्री। सभी मतलब किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण के योग बराबर यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी अंतःकोण का इतना होता है, और जबकि बोला है सभी अंतःकोण का योग 10 समकोण है, 10 × समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, 10 समकोण, तो ये भी 10 समकोण मतलब कि बहुभुज के सभी बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो गया, और ये सभी भुजा के अंतःकोणों का योग हो गया। तो पूछा है भुजा की संख्या बताइए, दोनों तो सब अंतःकोणों का योग है, बराबर कर दीजिए। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 × 2 = 18, 1 0 से 1 0 पहले कटा है, 90 × 180 हो गया, 2 से कटेगा ये 5 बार में। ठीक है, इधर एन, इधर -2 है, बराबर उधर जाएगा तो +2, और 5 पहले से है तो 5 और 2 मतलब लिखिए ना, 5 माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 = 7, एन की जगह एन का वैल्यू 7 आया, यानी 7 भुजा वाला का मान इतना था, 90 × 10। ठीक है, तो आपका आंसर तो हो जाएगा सी, 7, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक सम षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है। तो अभी तो पढ़े हैं सभी अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला n − 2 × 180 डिग्री होता है, सभी अंतःकोणों का योग बराबर। ठीक है, योग लिखिए डायरेक्ट, योग बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 180 होगा यहाँ, तो बोला षष्ठभुज, सम षष्ठभुज, तो एन दर्शाता है भुजा की संख्या को, तो यहाँ एन की जगह 6 रख दीजिए, 6 × 2 = 4 × 180 डिग्री। ठीक है, 18 × 2 = 72, 720 डिग्री आपका आंसर हो गया, 720, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है।